स्टूडेंट्स, मैं कांता मंगवानी आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोगो रिविजिटेड। होप कि आपको प्रीवियस जितने भी चैप्टर थे वो समझ में आ गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वो बेल आइकन जो नीचे दिख रही है ना उसको दबा दें। तो चलो स्टार्ट करें। आपके ये पेज नंबर जो है टेक्स्ट बुक के 25 पे है, चैप्टर 5 लोगो रिविजिटेड। तो चलो स्टार्ट करें। लोगो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हम इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम बना सकते हैं। इट इज टू टीच प्रोग्रामिंग टेक्निक्स टू द चिल्ड्रेन। ये एक्चुअली ये इसलिए बेसिकली यूज़ की जाती है कि बच्चों को कोई प्रोग्राम सिखाए जाते हैं ना तो उसमें यूज़ की जाती है। आया समझ में? स्टूडेंट्स को लोगो इंस्ट्रक्शन आर रिटन यूजिंग लोगो प्रिमिटिव्स। जो भी इसमें कमांड्स लिखे जाते हैं, प्रिमिटिव्स का मतलब होता है कमांड्स, तो कमांड्स जो भी लिखे जाते हैं वो उसको प्रिमिटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स आर द लोगो कमांड्स। प्रिमिटिव्स क्या हैं? एक लोगो कमांड है, जैसे आप माउस से देते हैं ना कमांड। दिस प्रिमिटिव्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टर्टल। ये जो कमांड्स है वो किसको कंट्रोल करते? टर्टल को कंट्रोल करते। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना, लाइक दैट। लोगो कर्सर को वो कंट्रोल करते अराउंड द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे। लेकिन उसमें भी दो तरह के स्क्रीन है, एक टेक्स्ट स्क्रीन है और एक आपका ग्राफिक स्क्रीन है। तो वो जब प्रैक्टिकल होगा तब बता देंगे आपको। अब आगे बढ़े, लेट अस रिवाइज फ्यू लोगो प्रिमिटिव्स। यहाँ पे कुछ लोगो प्रिमिटिव्स दिए गए हैं वो आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें फॉरवर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FD। ओके, दिस कमांड मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर। ये जो टर्टल है आगे बढ़ेगा, जहाँ पे वो खड़ा है उससे आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड होएगा, तो वो जितना नंबर हम देंगे ना उतना ही आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है FD 45, तो वो FD 45 ऊपर जाएगा। सेकंड आ रहा है बैक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BK बोलते हैं। दिस कमांड मूव्स द लोगो टर्टल बैक बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स इनमरेटेड बाय द यूजर। ये जो टर्टल है वो पीछे जाएगा, पीछे मतलब बैक जाएगा। जैसे अपन गाड़ी रिवर्स लेते हैं ना, ये रिवर्स लेगा, और उसका शॉर्ट फॉर्म है BK। और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि BK 45, यानी 45 स्टेप्स वो पीछे जाएगा। नाउ अब आ रहा है राइट। ओके, नाउ इसका शॉर्ट फॉर्म है RT। ओके, दिस कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स द राइट बाय द एंगल मेंशन बाय द यूजर, फॉर एग्जांपल RT 90। ये इसमें क्या है, टर्टल जो है, जैसे अपना जो आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है वो कैसे इशारे करता रहता है, तो राइट जाओ लेफ्ट जाओ, तो इस तरह से जितना आप नंबर दोगे, जैसे यहाँ पे RT 90 दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, घूम के RT 90 डिग्री में वो चला जाएगा, जैसे क्लॉक की सुइयाँ होती हैं। आया समझ में? नाउ अब आ रहा है आपका लेफ्ट, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं LT। दिस कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स लेफ्ट बाय द एंगल्स स्टेटेड बाय द यूजर, फॉर एग्जांपल LT 90। ये वो देखो राइट की साइड मुड़ेगा, आपका राइट हैंड देखा ना आपका, उस साइड मुड़ेगा, लेकिन ये LT क्या है, लेफ्ट साइड मुड़ेगा। अब जितना नंबर देंगे, यहाँ देखो LT 90 दे रखा है, तो जितना हम नंबर देंगे उतना वो पीछे चलेगा। नो पेन अप, जो नेक्स्ट है पेन अप, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PU बोलते हैं। दिस लोगो प्रिमिटिव्स मूव्स द टर्टल विदाउट ड्राइंग। अब याद रखना ये, जब आपको कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, वरना जनरली डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक लाइन प्रिंट करता है, तो अगर कोई भी लाइन प्रिंट नहीं करनी है तो PU कमांड देंगे, सिर्फ PU करके एंटर कर देंगे, तो वो आगे जितना भी टर्टल घूमेगा किधर भी तो वो लाइन नहीं बनाएगा। अब आ रहा है पेन डाउन, PD शॉर्ट फॉर्म है इसका।
दिस इंस्ट्रक्शन मेक्स द टर्टल रेडी फॉर द ड्राइंग अगेन। ये जो है पैन डाउन पीडी जो टर्टल को ये बताता है कि अब ड्राइंग के लिए रेडी रहो, यानी यहाँ से जो पीयू कमांड है वो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो पीडी से वापस से ड्राइंग करने लग जाता है, पीडी से वापस जो ब्लैक लाइन है वो ड्रॉ करना चालू हो जाता है। नाउ आ रहा है पैन इरेज, दैट इज अ पीई, दिस कमांड इरेजेस वॉट एवर लाइन अपीयर्स इन इट्स पाथ। ये पेन इरेज क्या करता है, जितनी भी लाइन है हमको इरेज करनी है, आप रबड़ से इरेज करते हो ना जो जो लिखा होता है उसको, तो ये पेन इरेज भी वही करता है, जितना भी आपने लोगो प्रोग्राम से जो भी लाइन ड्रॉ की है उसको वो मिटा देता है, आया समझ में, इरेज कर देता है। अब है हाई टर्टल एंड शो टर्टल, दोनों का शॉर्ट फॉर्म है एच टी और एस टी, हाइट टर्टल शो टर्टल। एच टी कमांड हाइड्स द टर्टल, एच टी कमांड क्या करता है, आपके टर्टल को डिसअपियर कर देता है स्क्रीन से, गुम कर देता है, वेयर एज एस टी ब्रिंग्स द टर्टल बैक ऑन द स्क्रीन। शो टर्टल क्या करता है, वो जहाँ आपका टर्टल बैठा हुआ है उसको वापस से दिखाता है, वो हाइड कर देता है, हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं ये दोनों। नाउ अब आ रहा है होम, दिस primitives brings the turtle to the center of the screen while drawing a line simultaneously। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप होम करके लिख के उस टेक्स्ट कमांड में, कमांड एरिया में जैसे एंटर करोगे तो वो आपका टर्टल जो जहाँ कहीं भी होगा सीधा होम में आके जहाँ आपको पहले मिला था प्रोग्राम स्टार्ट करने में वहाँ मिल जाएगा। और ये सारा आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 पे है। नौ अब आ रहा है क्लियर स्क्रीन एंड क्लियर टेक्स्ट। अब देखो इस शॉर्ट फॉर्म में क्लियर स्क्रीन का सी एस और क्लियर टेक्स्ट का है सी टी, तो सी एस सी टी इसको कमांड बोलते हैं। सी एस कमांड क्लियर्स द ग्राफिक एरिया ऑफ द स्क्रीन, ना क्लियर स्क्रीन क्या करता है, जितना भी आपका ग्राफिक एरिया है उस उधर को क्लियर कर देता है, जो भी ड्राइंग बनी हुई है उसको मिटा देता है एक ही झटके में। नाउ क्लियर टेक्स्ट सी टी, सी टी कमांड क्लियर्स द टेक्स्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन, जो आपका कमांड लाइन है ना जिसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं उसको वो डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है, यानी खाली कर देता है एक तरह से। स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप देख सकते हैं आंसर के साथ, तो आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और इसके बाद आपके आ रहे हैं वीडियो को पॉज करना, जो दो लाइनें आती ना सेंटर में यूट्यूब पे उसको स्टॉप करना और लिखना सारे। इसके बाद आपके आ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, जो देखो यहाँ पे 5 ट्रू एंड फॉल्स हैं, आंसर सामने दे रखे हैं मैंने, तो आप ये ट्रू एंड फॉल्स जो है लिखेंगे फेयर कॉपी में। इसके बाद आ रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग लोगो प्रिमिटिव्स, जो बैक होम क्लियर स्क्रीन राइट और पेन इरेज है ना उसके आंसर भी सामने मैंने लिख रखे हैं। ये जो यहाँ पे जो एक आंसर है ना आप चेक करो, ये वाला आंसर है ना, दिस कमांड मूव्स द लोगो टर्टल बैक बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स एनुमरेटेड, ये यहाँ से फिर यहाँ तक लिखना बाय द यूजर दैट इज BK45, ये यहाँ आ नहीं रहा था तो मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये इसके बाद वाला है, क्लियर। तो बाकी तो सब क्लियर है, ये पेज नंबर आपके 26 पे है, तो ये वाला ख्याल रखना कि इनुमरेटेड के बाद बाय द यूजर ये लिखना, ओके। अब जो फोर्थ एक्टिविटीज है मैच द फॉलोइंग है, ये सारे आपके मैच के आंसर भी मैंने दे रखे हैं, ये आपके पेज नंबर आ रहा है 27 पे टेक्स्ट बुक के, ठीक है ना, तो ये सारे आंसर भी सामने दे रखे हैं, आपको इसी तरह से ये लिखने हैं। और इसके बाद ये तो प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लोगो रिविजिटेड चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, ओवर हुआ, और यहाँ पे आपका सेमेस्टर कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो सेमेस्टर कोर्स कंप्लीट हो गया है आपका, चैप्टर जो 5 मैंने बोले थे जून में जब हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस, तो आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हुए। होप ये आपको सारे पसंद आए होंगे,
और ये यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो अभी देखो ये मेरा लास्ट वीडियो इस सेमेस्टर का, इसके बाद पता नहीं वीडियो आए नहीं आए, तो आप लाइक करते रहना मेरे सारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।